والسلام والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وارفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ایسا اسم اعظم جس کی نمبر مثال ہے اس کا ریوارڈ اس دنیا میں بھی ملتا ہے آپ صدق دل سے درود پاک جب پڑھتے ہیں تو جو سکون قلب ملتا ہے جو دل کو سکون ملتا ہے جو دل کو ٹھنڈک ملتی ہے وہ شاید ہی کسی اور وظیفے سے ملتی ہو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے یوں فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں اے مومنوں اے نیک انسانوں تم بھی درود اور سلام بھیجو تو جو درود پاک ہمیں اپنے پیر خانہ سے اللہ تعالی کی حکم کی بجاوری بھی ہے وی اوبے دا آرڈر آف اللہ سبحانہ تعالی بائی سینڈنگ سلیوٹیشن اینڈ درود و سلام ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی اللہ کے حکم کی بھی تعمیل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھی ہوا اور آپ اس درود و سلام کو قبول کر کے اس کا جواب بھی فرماتے ہیں اس سے بڑی کیا نعمت ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں دوستو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں دن رات حضرت صاحب تو ماشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میں اکثر وہاں جب عیدگاہ شریف مسجد شریف میں بیٹھتا ہوں تو وہاں ایک لکڑی کا بورڈ لکھا ہوا ہے جس پر ٹرم ٹیبل لکھا ہوا ہے مختلف نمازوں کا نیچے لکھا ہوا بارہویں پاک والے مسجد پاک تو بارہویں پاک ہی اصل ہر چیز جو ہے نا اس کے گرد گھومتی ہے تو آئیے تھوڑا سا آپ کے ساتھ I share that experience which I had on 12th of 12th 12 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
मिलाद पाक, मिलाद पाक, और हर मिलाद पाक बड़ी शानों वाला है। आप यू कांट रियली डिस्टिंग्विश कि जी ये मिलाद पाक की इतनी इसकी फजीलत है, इतनी ये तो अल्लाह ही जानता है। जैसे नहीं वरफान लगा जिक्र बहुत ही बुलंद, इतना बुलंद जिक्र, इतना बुलंद जिक्र कि यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट रियली हैव एनी पैरामीटर टू जज इट कि क्या स्टेज है, स्टेटस क्या है। इसी तरह बारहवीं पाक का भी स्टेटस जो है ना किसी इंसान के बस में नहीं है कि नोबडी कैन मेजर इट। लेकिन मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस, लकीली जब हमने यहाँ से फ्लाइट्स ली थी, ये किस्मत की बात होती है, वी एक्चुअली रिप्रेजेंटेड ऑल ऑफ यू देयर। चूंकि जब यूके का एक बंदा जाता है ना तो वो कहते हैं जी बाकी यूके का क्या हाल है, बाकी संगी सारे ठीक है, दे ऑलवेज आस्क यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ये 12 100 साल के बाद आएगा, यू नो आफ्टर 100 ईयर्स दैट डे वाज सो इम्पोर्टेंट, आफ्टर 100 ईयर्स ये दिन आता है। अभी 100 साल और लगेगा, पता नहीं हमारी कौन सी जनरेशन होगी और हम। तो दोस्तों अर्ज कर रहा था
कि नाथ कौन एक से एक बात। अभी जैसे हमारे दोस्त हमारे भाई इन्होंने ये पढ़ी कि आप जैसा कोई क्या लज्जत मिलती है, क्या क्या लुत्फ आता है, और इसमें शक भी नहीं है कि आप जैसा है ही कोई। और ये भी बात बता दूं हमारे पीरखाने जैसा पीरखाना भी कोई नहीं है। जहाँ बात होती है तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है, जहाँ बात होती है तो सिर्फ बारी शरीफ की होती है, जहाँ बात होती है तो दुरूद पाक की होती है। सब देखा जाए तो आप जब भी दो दफा साल में तशरीफ लाते हैं तो क्या है हमारे दिलों का जन। जैसे मेरे भाई राजा मंजूर साहब कह रहे थे कि इस दुनिया से उठाया और मदीने पाक ले गए और मदीने पाक की कितनी हाजिरी हुई। दोस्तों ये उस वक्त की कैफियत होती है जब आपका दिल जो है ना उससे जंग उतर जाए, और दिल का जंग जो है ना बड़ा डाढ़ा जंग है, ये उतरदा नहीं आसानी ना जब तक मुर्शिद कामल ना कंडी पीछा हो। और फिर जब शजरा शरीफ पढ़ते हैं तो हजरत साहब का नाम आता है कि रूहानी तबीब, रूहानी तबीब स्पिरिचुअल डॉक्टर। बड़ी बात है ये, आम आपका जिस्म बीमार होता है तो आप फौरन भागे जाते हैं जीपी के पास, जीपी से नहीं आराम आता तो फिर हॉस्पिटल जाते हैं, उससे नहीं आराम आता तो फिर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ कंसल्टेंट बैठे हुए होते हैं, जो कंसल्टेंट से भी नहीं आराम आता तो फिर कहाँ जाते हैं। इसी तरह जो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं वो माशाल्लाह आपको वहां जाए आपको किस्मत है कि वो चल के यहाँ आए हुए। और प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि हाथ काम में और दिल से जिक्र अल्लाह हू अल्लाह हू और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। दोस्तों इससे बड़ी क्या नेमत है कि ये जो रूहानी महफिल है जिनमें हम बैठे हुए हैं इनकी कोई कीमत दे ही नहीं सकता, ना कोई इमेजिन कर सकता है। ये जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हजरत साहब के साथ चल रहे हैं, बिलीव मी दिस दीज आर द मोमेंट्स, यही आपके एक्चुअल मोमेंट है, यही आपका अपना टाइम है और कोई टाइम नहीं है। आप बेशक जाए ना जितना मर्जी काम करें, जितने मर्जी ईंटों के ढेर इकट्ठे कर लें, जितने मर्जी मकान बना लें, लेकिन वो आपका अपना टाइम नहीं है। आपका अपना टाइम है तो यही है जो यहाँ हम दो मिनट चार मिनट अजर साहब के साथ गुजार रहे हैं। तो मैं इसी पे इतफाक करूँगा, दिल तो चाहता है कि बस बंदा कहता ही जाए लेकिन वक्त की भी कंसर्न है और अजर साहब को भी सुनना है, तो मैं इसी पे इतफाक करता हूँ, इतफाक करता हूँ आखिर।